we need to plug those loopholes. So how do you, how people of India responding to all this? या क्या आप समझते हैं ये सिर्फ political stunt है जैसे मोदी साहब कह रहे हैं? देखिए चीमा साहब, आप मानते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर बड़ा डिस्टेंस है, बड़ी रैली है, करेक्ट? तो मतलब पाकिस्तान का सपोर्ट भी मिल रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो राहुल गांधी जी की रैली को पाकिस्तान का सपोर्ट भी मिल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, होता है, होता है, होता है। अच्छा होता, तो होता, आप होता, उनको अच्छा जो बंदा इस तरह श्रीनगर आएगा एक रैली लेके आप उसको देखो ये कोई बात नहीं, आप सपोर्ट करें अच्छी बात है। देखिए पहली बात यहाँ सोचने की क्या है, आपके कहने का ख्याल ये है कि आईएसआई ने रूट तैयार किया इनका? नहीं नहीं, पहली बात सोचने की नहीं, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं, कर सकता पाकिस्तान सपोर्ट कर सकता, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट चीज गजी मसा, अब राहुल गांधी जी के अगर आप इंडिया टुडे के कवर देखें, करीब 10-15 बार वो रिलॉन्च हो चुके अलग अलग अवतारों में, अभी भी राहुल गांधी जी अपने आप को रिलॉन्च कर रहे हैं। ये जो 42 अनएम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है, ये जो 20,000 किलोमीटर चाइना खा गया, इतनी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो हमारी 6% से भी कम आ गई, लोवेस्ट अभी इन्फ्लेशन है इंडिया पूरे एशिया में, यूएस में करीब 12% है। ये जितने भी उतने आंकड़े हैं उनकी एक अब अलग एक उनका एक इकोनॉमिक्स है, राहुल नॉमिक्स, ये उसमें से निकलते हैं। इनको ना वर्ल्ड बैंक, ना IMF, ना मैकेंजी, ना डॉइश बैंक, ना इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, कोई भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट रिकॉग्नाइज दम। अब ये आंकड़े ऐसे जो राहुल गांधी जी बनाते खुद मानते हैं, और अगर 42% यूथ अनएम्प्लॉयड है और इतने मसले सोसाइटी में हैं, तो जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ इनकी सीटें जमानत क्यों जब्त होती है? अगर इन्हें फिर इन्हें तो फिर पूरे इंडिया का वोट चाहिए, अगर दे आर रियली वर्किंग ऑन दोज फॉल्ट लाइंस देन इंडिया शुड वोट फॉर हिम। आपको पता ही है 40-50 सीटों में जाके वो रुक जाते हैं, अगर ये 40-50 सीटों में जाके रुक रहे हैं सीमा साहब, तो आपको पता ही कितनी कितना सच्चा एजेंडा है और कितनी सच्ची फॉल्ट लाइन है। वोट किसको मिलता है? वोट उसको मिलता है जो डेवलपमेंट और डेवलपमेंट डिलीवर्ड की बात करता है। दो चीज़ें, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट डिलीवर्ड, एक है डेवलपमेंट इंशाल्लाह 50 साल, वो नहीं, दूसरा है वो अगले इलेक्शन से पहले आपको ये सड़क मिल जाएगी, आपके घर के गैस सिलेंडर आ जाएगा, आपको पक्का मकान मिल जाएगा, आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। तो यहाँ कुछ 5-25 साल वाला प्रोग्राम नहीं है, डेवलपमेंट डिलीवर्ड है। मोदी जी को जो सपोर्ट मिल रहा है वो डेवलपमेंट डिलीवर्ड में मिल रहा है। और आपको जान के एक और चीज़ खुशी होगी, अभी जो इंडिया में आप फिर मुसलमान वाला एंगल लाऊंगे तो पहले ही बता दूं आपको, 85% मुसलमान जो पसमानदा मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान 85% इज विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। उनके जो लीडर हैं वो वाजे तौर से डायरेक्ट ओपन फोरम में कह चुके हैं कि सारा पसमानदा मुसलमान प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ है, हमें डेवलपमेंट चाहिए। बाकी शिया ये इधर उधर और भी बोहराज अहमदिया, खैर आप तो उनको मुसलमान ही नहीं मानते, वो अलग बात है, हम यहाँ सबको मुसलमान मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के। अब राहुल गांधी जी किन फॉल्ट लाइन्स की बात करें, किसको जोड़ने की बात करें, क्या टूटा, कब टूटा, ये तो वही जाने, पर मुझे ये पता है कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन, इलेक्शन के बाद इलेक्शन, इलेक्शन के बाद इलेक्शन, सीमा साहब वो अपनी हार का रिकॉर्ड पिछली हार से तोड़ देते हैं। 39 में से 29 इलेक्शन हार चुके हैं। आपको दूसरा नंबर बताऊं, करीब 280 MLA इनको छोड़ के जा चुके हैं और 150 MPs इनको छोड़ के जा चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम इनके यहाँ से थी, पीए संगमा, शरद पवार, ममता दीदी, कितने नाम दे रहा हूँ मैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी अमरिंदर सिंह साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब जैसे बड़े नेता भाजपा में है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार यही है, ये जो खुद राहुल नॉमिक्स से ये जो चीज़ें निकालते हैं, बनाते हैं और उनको बुनाते हैं, पर वो ग्राउंड पे जाती नहीं। इनको ग्राउंड पे आना चाहिए प्रैक्टिकल इशूज लेके, जो 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 लोगों को चाहिए। अगर आप 20,000 किलोमीटर की बात करोगे तो कोई आपसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मांगेगा जो आपके पास होता नहीं। मैं नहीं मांगा, कई बार उनके प्रवक्ता से मैंने कहा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दो कौन से 20,000 किलोमीटर, वो उनके पास होता नहीं, पर कोई बात नहीं, सपोर्टर बड़े आ गए राहुल गांधी जी के। समझ में एक बात बताएं, ये श्रीनगर जो है ये पाकिस्तान में है या भारत में है? भारत में साहब, बिल्कुल। ओके, तो ये बताइए कि ये फिर आप ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान फैक्टर इसमें क्यों ले आता है?